हेलो दोस्तों दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट धौलपुर राजस्थान से ये आदेश है। यहाँ पर इस आदेश में ये कहा गया है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो धौलपुर जिले के हैं, ठीक है, और जो सेकंड ईयर के हैं जो धौलपुर जिले के हैं, उनको 6 और 7 तारीख को कॉलेज में आना है। बाकी अदर जिले वालों को 9/7/2020 को अपने कॉलेज में आना है, ठीक है। अभी ये महीना आज 24 तारीख हो चुकी है और जून चल रहा है, यानी जुलाई, 6/7 और 9 जुलाई को धौलपुर डाइट्स वालों को कॉलेज में बुलाया गया है। उसी प्रकार हमने पहले एक देखा था ये आदेश मौलाना आजाद मुस्लिम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, इसमें भी यहाँ पर लिखा गया है कि कॉलेज आना है जोधपुर वालों को, बाड़मेर वालों को, अन्य सभी जिलों को। तो ये सिर्फ उन्हीं कॉलेज वालों के लिए था, बाकी वालों के लिए नहीं था। तो ये सिर्फ उनके कॉलेज के लिए तो सही है, लेकिन बाकी वालों के लिए नहीं है, क्योंकि आपके कॉलेज वाले आपको बुलाएंगे, ठीक है। तो मौलाना आजाद मुस्लिम शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान इस कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं उनको बुला रहा है, धौलपुर डाइट में जो पढ़ रहे हैं उनको बुला रहा है। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी अभी तक या तो आ गया होगा कोई मैसेज मैडम या सर की तरफ से कि आपको इतनी तारीख से कॉलेज में आना है, या फिर आ जाएगा बहुत ही जल्दी। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा जो है आदेश देखने को मिले। कई बार ये होता है कि डायरेक्ट वो आपको ग्रुप में मैसेज कर देंगे या आपके दोस्तों को बोल देंगे कि सभी को कॉल करके बोल दो कि इतनी तारीख को कॉलेज में आना है, और साथ में आपको ये डॉक्यूमेंट जरूर ले जाना है। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर वेबसाइट पर आकर भी देख सकते हो, bstc2020.org.in/first-year, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम वर्ष के जो स्टूडेंट है उनको पासपोर्ट साइज 2 फोटो ले जानी है और अपने सिग्नेचर तो आप वहीं पर कर दोगे, ठीक है। दूसरा है 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, ठीक है, और इसकी एक फोटोकॉपी, मतलब फोटोकॉपी ही आपको ले जानी है। फिर तीसरा है अलॉटमेंट लेटर की छाया प्रति, ठीक है, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर। फिर परीक्षा शुल्क 270 रुपये, यहाँ पर आप कंफर्म जरूर कर लें कि ये कॉलेज अलॉटमेंट ही है या फिर स्कूल अलॉटमेंट लेटर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको स्कूल अलॉटमेंट जो हुआ है वो मांग ले या फिर कॉलेज अलॉटमेंट। तो यहाँ पर 90% तो कॉलेज अलॉटमेंट ही है, फिर भी आप एक बार कॉलेज से जरूर कंफर्म कर ले, ठीक है। फिर आपका जो कैटेगरी है SC ST उसकी आपको प्रमाण पत्र देना होगा अगर है तो, ठीक है। फिर द्वितीय वर्ष वालों को फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिए, मतलब उसकी फोटो कॉपी, ठीक है, और पासपोर्ट साइज 2 फोटो और परीक्षा शुल्क की रसीद दोनों को चाहिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर वालों को भी और सेकंड ईयर वालों को। अगर आप तक आपको नहीं दी गई है, कई सारे कॉलेज में पहले ही परीक्षा शुल्क दे दी जाती है, ठीक है, 270 या 280 रुपए की रसीद होगी। 270 शुल्क होता है, 10 रुपए पता नहीं किसका चार्ज होता है। तो कई कॉलेज में इसकी फीस ज्यादा होती है, कहीं पर 350, प्राइवेट कॉलेज कई बार 500 रुपए की रसीद भी आपकी कटती है, लेकिन यहाँ पर तो आपको 270 रुपए की रसीद ही लगानी है। तो आप अपने कॉलेज से जरूर बात कर लें। बाकी ये जो सावधानियां दे रखी है, सैनिटाइजर का उपयोग करें, अपनी पर्सनल वाटर बॉटल साथ ले जाएं, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आपका कॉलेज भी आपको बहुत ही जल्दी बुलाने वाला है, अगर नहीं बुलाया है तो, ठीक है, तो बिल्कुल आप सावधान रहें, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है और एग्जाम देना भी जरूरी है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट विशेष तौर पर इसका ध्यान रखें, क्योंकि आपको आगे नीट की तैयारी भी करनी है और नीट में सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आप ये एग्जाम देकर अगर इनको पास करते हो तभी तो आप सेलेक्ट हो पाओगे, अन्यथा आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो ओके, धन्यवाद।